अरे यार शिनचैन मैं क्या करूं, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे यार विकी पे क्या हो गया? अरे शिनचैन मुझे अपनी क्लास के लकी बॉक्स नहीं मिल रहे। अरे विकी पे कौन सी लकी बॉक्स चाहिए आपको? अरे कोई से भी लकी बॉक्स चाहिए, तेको तो पता ही है मैं किसी से भी सवाल पूछता हूँ, अगर वो सही जवाब देता है तो मैं उसको लकी बॉक्स देता हूँ, फिर उसमें से उसको कुछ भी मिल सकता है, पर मेरे पास लकी बॉक्स ही नहीं है। अरे विकी क्या करेंगे? अरे वही तो समझ नहीं आ रहा, कहाँ से लाऊं लकी बॉक्स? सर और रीता डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, मैं मुमकिन है, पर जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे सामने खड़ा है। अरे ये कौन है? मुझे पहचान लो, मैं हूँ डॉन। अरे ये तो शाहरुख खान है। अरे फ्रैंकलिन मुझे पता चला तुम्हें लकी बॉक्स की जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए लकी बॉक्स ले आया। अरे क्या सही में? अरे ये तो सही में लकी बॉक्स ले आया। अरे थैंक यू शाहरुख खान, तुमने तो मेरी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम दूर कर दी। फ्रैंकलिन कोई बात नहीं, अगली बार मुझे भी क्लास में बुला देना। अरे अब टेंशन मत लो, मैं अगली बार सारे के सारे इंडियन स्टार्स को बुलाऊंगा, अब टेंशन मत लो। कैसे हो बच्चों? अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग। हो गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों तुम सबका स्वागत है आज की क्लास में, आज हम पढ़ने वाले सब कुछ। तो हमारे लकी बॉक्स बिल्कुल तैयार है, और ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये तो हमारे सारे इंडियन सुपर हीरोज के लकी बॉक्स है, फ्लाइंग जट, शक्तिमान, क्रिश और भी बहुत खतरनाक। तो क्या तुम सब तैयार हो सारे के सारे लकी बॉक्स खोलने के लिए? अरे हाँ सर हम तैयार है। अरे मैं भी तैयार हूँ। अरे मैं भी तैयार हूँ। अरे मैं भी तैयार हूँ। तो सब तैयार है तो फटाफट से अपने लैपटॉप निकाल लो। तो गाइस सर अभी सारे के सारे बच्चों ने निकाल लिया अपने लैपटॉप, छोटे हल्क ने, शिनचैन ने, हल्क की मम्मी ने, आयरन मैन ने, और यहाँ पे सेंटा क्लॉस ने भी अपना लैपटॉप निकाल लिया, और कैप्टन अमेरिका ने भी। ए ये क्या है, ये कौन सा पुराने जमाने का फोन है? अरे सर क्या बताओ, मेरा लैपटॉप गिर गया था, टूट गया था, इसलिए मैं ये ले आया। अरे पर इसमें कैसे पढ़ोगे? अरे सर पढ़ लूंगा, पढ़ाओ तो सर ही। चलो ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ होने क्या वाला है, मैं पूछने वाला हूँ इन सब बच्चों से क्वेश्चंस, और जो भी सबसे पहला मुझे आंसर देगा उसको मौका मिलने वाला है इंडियन सुपर हीरोज के लकी बॉक्स खोलने का, और उनमें यार सूट हो सकती है, कुछ खतरनाक पावर्स हो सकती है, और गाड़ी हो सकती है, और कुछ भी हो सकता है। और अगर आपको आंसर आता है तो आप यार कमेंट्स में मुझे वो सबसे पहले आंसर दे सकते हो। तो गाइस यार फटाफट से शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवल्स होते हैं और उनका नाम बताएं। कौन बताना चाहेगा इसका आंसर? गाइस यार आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो फटाफट से कमेंट में आप भी बता सकते हो। ओए इसका आंसर मुझे पता है। बताओ कैप्टन अमेरिका। ओए इसका आंसर है 5 वोवल्स। और कौन कौन से? ए ई आई ओ यू। बहुत बढ़िया कैप्टन अमेरिका। तो गाइस सर कैप्टन अमेरिका ने सबसे पहला सही जवाब दे दिया, और ये खोलने वाले फ्लाइंग जट का लकी बॉक्स, और इन्होंने खोल दिया। और ये क्या बन चुके हैं? ओए मैं तो खतरनाक फ्लाइंग जेट बन गया। अरे गाइस सर आप देख सकते हो ये तो फ्लाइंग जेट बन गया, वो भी तीन तीन मुंडी वाला और पंख वाला भी। ऐसा फ्लाइंग जेट तो क्या आपने कभी देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा था। ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, तभी तो हम बोलते हैं हमारे लकी बॉक्स बहुत खतरनाक होते हैं। मतलब वैसे शाहरुख खान देखे गए थे, पर यार कोई बात नहीं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक लकी बॉक्स है, तीन सर और दो पंख वाला फ्लाइंग जेट मिल चुका है हमें। मुझे पता चला है कि सभी के एग्जाम चल रहे, तो गाइस सर क्या आपके भी एग्जाम चल रहे? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो, और हम चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे बताओ कौन से एनिमल को किंग ऑफ द जंगल कहा जाता है? ये तो बहुत ही इजी है गाइस यार, ये तो आपको ही बताओगे, फटाफट से कमेंट करके बता दो। मेरा सूट खराब हो रहा है, मुझे सारे क्वेश्चन का कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। अरे मुझे बताएं। हाँ आयरन मैन बताओ क्या आंसर है? अरे इसका आंसर है जिराफ। बिल्कुल गलत जवाब। क्या गलत जवाब? मुझे नया सूट चाहिए। सही आंसर दो, नया सूट ले जाओ। तो किसको सही आंसर पता है? फटाफट से बताओ किंग ऑफ द जंगल किसको कहा जाता है? मुझे पता है। हाँ शियाल को बताओ। किंग ऑफ द जंगल लायन को कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब, तो शियाल ने दे दिया है बिल्कुल सही जवाब। अगला लकी बॉक्स खोलने वाली है हमारी शियाल। मैं इस मोमेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, आखिरकार मैं अपने सबसे फेवरेट हीरो क्रिश का लकी बॉक्स खोलूंगी, मजे आएंगे, चलो चलो खोलते हैं। और गाइस सर ये क्या हो गया? अरे मैं तो बहुत ही खतरनाक हो गई, पिंक मेरा फेवरेट कलर है और क्रिश मेरा फेवरेट सुपर हीरो, मैं तो बहुत खतरनाक हो गई। तो गाइस सर आप देख सकते हो शियाल बन चुकी है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाला क्रिश, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा, ये देखो सर इन बिल्डिंगों से बड़ा है, शियाल तो बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुकी है। क्या आपने कभी पहले ऐसा क्रिश देखा है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। तो गाइस यार अभी ये जो शियाल के हमारे क्लास के सामने ये खड़ी हो चुकी है, कितनी ज्यादा बड़ी आप देख सकते हो, बहुत बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इसको छोड़ो अपन चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मुझे फटाफट से बताओ इंडिया का नेशनल फ्रूट कौन सा है? हले हले मैं बताऊंगा। हाँ हल्की बेटा बताओ। इंडिया का नेशनल फ्रूट है मैंदो। मैदा?
अरे मैदा तो ना फ्रूट पूछा था फ्रूट। अरे मैंदो मैंदो, एनी फेके मैंगो बोल रहे हैं। और मैंगो, हाँ हाँ बिल्कुल सही जवाब। तो गाइस हल्के बच्चे ने दे दिया बिल्कुल सही जवाब, और इसको मौका मिलने वाला है शक्तिमान का लकी बॉक्स खोलने के लिए। इसके जैसा छोटा सा लकी बॉक्स है और इसने ये खोल दिया, देखते हैं इसको क्या मिलने। और ये क्या, ये कौन है? अरे ये तो कोई मोटा सा फ्लाइंग जेट है। एक सेकंड, ये क्या हो रहा है इसको? अरे ये कौन सा फ्लाइंग जेट है इतना ज्यादा मोटा? पर इसकी शक्तियां मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिस हिसाब से इसने अभी यहाँ पे टोर्नेडो बनाया। और ये क्या, अरे ये कैसे उड़ रहा है? ये तो बहुत ही खतरनाक है। शक्तिमान के छोटे लकी बॉक्स में से निकला मोटा सा फ्लाइंग जेट, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके हाथों में तो मिसाइल्स लगी हुई है, कैसे बम ब्लास्टिंग कर रहा है यहाँ पे? गाइस ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक पावर्स इसको मिल चुकी है। तो चलो यार अपन चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे बताओ एक ईयर में कितने डोज होते हैं, मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं? ओ 25 दिसंबर को होता है क्रिसमस, एक ईयर में होते हैं दिन 365। बिल्कुल सही जवाब, 365 डेज एक ईयर में होते हैं। सेंटर ने दे दिया बिल्कुल सही जवाब। तो इनको लेके चलते हैं लकी बॉक्स खुलवाने। ओ, मुझे खुद लकी बॉक्स नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चों को दूंगा लकी बॉक्स, वो भी क्रिसमस पर। तो गाइस यार सेंटा तो दो लकी बॉक्स लेके जा रहा है, वो बोल रहा है वो बच्चों में बांट देगा। कोई बात नहीं यार, उनका लकी बॉक्स है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अपन चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में सबसे डेंसेस्ट जंगल कौन सा है, मतलब सबसे घना जंगल कौन सा है? मुझे पता है। बताओ शिनचैन, मैं नहीं बताऊंगा। जा मत बता, आयरन बता देगा। Amazon Rainforest। बिल्कुल सही जवाब, तो शिनचैन ने दे दिया बिल्कुल सही जवाब। और हम शिनचैन से खुलवाने वाले क्रिश का लकी बॉक्स, वो भी शिनचैन से डबल ट्रिपल बड़ा है। अरे देखिए बेटा बहुत ही खतरनाक है, चलो चलो इसको खोलते हैं। अरे खुल जा, अरे खुल जा। अब ये लकी बॉक्स तो सिर्फ वुड भी नहीं रहा। अरे खुल जा, ये ले। पहले इतना बड़ा क्रिश, अब इतना बड़ा फ्लाइंग जेट। गाइस आप देख सकते हो ये फ्लाइंग जेट कितना ज्यादा बड़ा है, और वो भी तीन तीन सर वाला है। अरे फिकी भी तो एक्शन कमिंग से भी खतरनाक है। अरे गाइस आप देख सकते हो ये फ्लाइंग जेट कितना ज्यादा बड़ा है, और कैसे तेज भाग रहा है। अरे फिकी भी तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, आओ लड़ाई करते हैं। अबे क्या लड़ाई करते हैं, मैं तो ना फ्लाइंग जेट हूँ, तू इतना बड़ा फ्लाइंग जेट है। गाइस आप देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा फ्लाइंग जेट बन चुका है, ये तो उस वाले क्रिश से भी बड़ा है, मतलब इसने शी हल्क को भी फेल कर दिया। एक सेकंड, सिर्फ आयरन मैन बचा। अरे आयरन मैन पढ़ाई नहीं करके आया था क्या? अरे क्या बताऊं, मेरा सूट खराब हो गया, मेरा दिल यानी जार्विस खराब हो चुका है, मेरी बुद्धि खराब हो गई, सब खराब हो चुका है, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया। चल ठीक है कोई बात नहीं। अरे मुझे प्लीज लकी बॉक्स खोल ले देना। अच्छा ठीक है खोल ले, कोई बात नहीं, अगली बार पढ़ाई करके जरूर आना। अरे ठीक है अगली बार पढ़ाई जरूर करके आऊंगा। अरे लकी बॉक्स खुल जाए। तो गाइस अभी आयरन मैन ने लकी बॉक्स खोल लिए, और ये क्या, ये बन चुका है मोटा सा क्रिश। अरे वाह ये तो बहुत ना के, मेरे बेकार सूट से तो ये अच्छा ही है। अरे वाह ये देखो मेरे अंदर से लेजर निकल रही है। अरे गाइस आप देख सकते हो ये मोटा सा क्रिश बन चुका है, और इसके मुंह में से लेजर निकल रही है। तो कम से कम आयरन मैन को कोई अच्छा सा सूट तो मिल गया है। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अब मैं एवेंजर्स को ढंग से चला पाऊंगा। मेरा सबसे फेवरेट सुपर हीरो क्रिश था, इंडियन सुपर हीरो सबसे खतरनाक होते हैं, उसमें से मैं एक बन गया, मजा आ गया। तो गाइस अभी आप देख सकते हो शिनचैन बन चुका है बहुत ही बड़ा फ्लाइंग जेट, और यार अपनी शी हल्क बन चुकी है बहुत बड़ी क्रिश, और सब यार कुछ ना कुछ बन गया। अब ये लास्ट लकी बॉक्स खोल पड़ा है, जो कि मैं खोलने वाला हूँ, ये बड़ा सा क्रिश का लकी बॉक्स। फटाफट से इसको खोल लेते हैं, देखते हैं ये क्या। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक है। अरे विकी मैं तो और भी खतरनाक हो गई। अरे शिनचैन देख तो सरी, गाइसर मेरे तीन तीन सर हो गए, बड़े बड़े पंख आ गए। शिनचैन तूने बोला था ना लड़ने के लिए, आ जाए लड़ते हैं। अरे विकी भी चीटिंग है, मेरे पास पंख नहीं है, रुको मैं ही पंख लगा लेता हूं। अभी गाइसर शिनचैन ने ही पंख लगा लिया, पर इसको पता नहीं है क्रिश ज्यादा खतरनाक होता है। गाइसर आपको क्या लगता है, फ्लाइंग जेट ज्यादा खतरनाक होता है या फिर क्रिश ज्यादा खतरनाक होता है? फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो। मुझे तो क्रिश बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, आपको क्या कौन सा इंडियन सुपर हीरो ज्यादा अच्छा लगता है? फटाफट से कमेंट में मुझे बता देना। और शिनचैन के बच्चे को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। अरे विकी मैं ऐसे क्यों मार रही हूं, रुको तो सरी। अबे मैं तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मुझे इतनी देर से बोला था मेरे से लड़ लो जब मैं छोटा था, पर अब मैं भी बड़ा बन चुका हूं, अब तो शिनचैन को बहुत ही बुरा मारने वाला हूं। अरे विकी मैं प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं हार मान दो। अरे गाइस अरे शिनचैन तो हार भी मान गया, मैंने सोचा थोड़ी देर और लड़ेंगे आराम से मजे करेंगे, पर शिनचैन ने हार मान ली, कोई बात नहीं इसको छोड़ देते हैं। तो गाइस आज की वीडियो से इतना ही, आपको आज की क्लास कैसी लगी फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो, और कौन कौन से सुपर हीरोज की आराम यार लकी बॉक्स खोले वो भी मुझे कमेंट में बता देना। तो आज की वीडियो से इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बताना कैसी लगी वीडियो फटाफट से कमेंट में बता दो, और गाइस इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड का डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके ज्वाइन फॉलो कर लेना। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।